सूरत आगजनी कांड में 23 स्टूडेंट्स की मौत के बाद गुजरात सरकार की नींद टूट गई है। अफसरों ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि राज्य में 9000 से ज्यादा इमारतें ऐसी हैं जहां आग से बचने के लिए उपकरण नहीं है। सूरत आगजनी कांड में 23 स्टूडेंट्स की मौत के बाद गुजरात सरकार की नींद टूटी है। राज्य सरकार के निर्देश के बाद अफसरों ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में बताया है कि पूरे राज्य में 9,395 इमारतें ऐसी हैं जिनमें आग से बचने के लिए कोई सुरक्षा के इंतजाम नहीं है। इन बिल्डिंग्स में मॉल्स, रेस्टोरेंट, होटल्स के साथ साथ स्कूल, कॉलेजेस और कोचिंग सेंटर्स भी शामिल हैं। ये रिपोर्ट राज्य की 162 म्यूनिसिपैलिटीज की 713 टीमों ने तैयार की है। इसके मुताबिक अहमदाबाद में 700 जगहों की जांच की गई, जिनमें से 300 जगहों पर अग्नि सुरक्षा की कोई सुविधा और उपकरण नहीं पाए गए। इसी तरह गांधीनगर की लाइब्रेरी, भरूच में 40 कोचिंग सेंटर की पहचान की गई है। राज्य सरकार ने ऐसी तमाम इमारतों को सील कर दिया है और सीएम की अगुवाई में सभी जिला कलेक्टरों और जिला शिक्षा अधिकारियों के साथ एक हाई लेवल मीटिंग की गई है। वहीं सूरत आगजनी कांड में कोचिंग सेंटर के संचालक की गिरफ्तारी की गई है। इसके अलावा राज्य के कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में चलने वाले कोचिंग सेंटरों को बंद करने का आदेश दिया गया है। सरकार ने 2 अग्निशमन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की है। आरुषि पुंडीर, गो न्यूज़।